वेलकम बैक बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट जनरेट हुए थे, ठीक है। अब हम पे बैक स्टेज में, प्रॉफिट स्टेज में देखेंगे कैसे हम कितने एटीपीज बनाएंगे और कैसे बनाएंगे इस ओवरव्यू में। ब्रीफली यहाँ पर मैं पहले आपको समझा दूँ कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इन डिटेल हर एक स्टेप को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब जो ये ग्लिसराल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट है, ये दो रिएक्शन एट अ टाइम अंडरगो होगा। एक होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा होगा फॉस्फोराइलेशन। पहले रिएक्शन में ये अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे खो देगा और वो खुद एक एल्डिहाइड से एक एसिड बन जाएगा। जैसे कि ये ग्लिसराल्डिहाइड है, अब ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है तो कोई ना कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये NAD प्लस, प्लस मतलब वो भूखा है, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो ये वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा NADH में, और ये सब रिएक्शन होगा डीहाइड्रोजिनेज नामक एक एंजाइम के हेल्प से। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। पूरा एंजाइम का नाम हमेशा ऐसे होता है कि उसका सबस्ट्रेट का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि समझो कि डिहाइड्रोजिनेज उसका सरनेम है और ग्लिसराल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट उसका पहला नाम है, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन जो उसके साथ भाई हो रहा है वो है फॉस्फोराइलेशन। ऑलरेडी उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है थर्ड पोजिशन पर, अब एक और फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा उसके फर्स्ट पोजिशन पर, तो इससे वो एसिड बन जाएगा 1,3-bisphosphoglycerate। मतलब पहले पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, तो भाई ये दो हो गए, 5 बाई हो गया। बाई या बिस दोनों एक ही नाम है, बाई फॉस्फोग्लिसरेट। क्या है वहां पर? फॉस्फो है। अदरवाइज तो ग्लिसराल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है वो ग्लिसरिक एसिड बन जाता है, क्योंकि उसके पास फॉस्फो ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम उसको फॉस्फोग्लिसरेट बुलाते हैं। अब ये जो 1,3-bisphosphoglycerate है, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप कंपाउंड है। अब ये उछल रहा है कि भाई मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा तगड़ा वाला फॉस्फेट ग्रुप है, मुझे किसी ऐसे तगड़े बंदे को फॉस्फेट ग्रुप दे देना है जो उसे संभाल पाए। अब कोई और तो उसे संभाल नहीं पाएगा, तो उसके लिए आ जाता है ADP, और वो फॉस्फेट ग्रुप लेकर ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ADP का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो तीन फॉस्फेट ग्रुप। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये पहला रिएक्शन है जो साइटोसोल में हो रहा है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ना होते हुए साइटोसोल में ATP जनरेट हो रहा है। भाई ये तो मतलब बहुत ही उम्दा चीज है, ठीक है। जब भी हमें ATP तैयार करनी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हेल्प से ही होती है। पर जब एक सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी और इतनी पावर आ जाती है कि वो फॉस्फेट ग्रुप ADP को डोनेट करके ATP जनरेट करे, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये पहला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ADP को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, यहाँ का एंजाइम एक काइनेज ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे सबस्ट्रेट का नाम फॉस्फोग्लिसरेट है, तो हम इस एंजाइम का नाम बताते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब जो रह गया, ये पहला फॉस्फेट ग्रुप तो चला गया, अभी आपके पास रह गया है सिर्फ थर्ड कार्बन पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप, तो इसलिए आपका प्रोडक्ट का नाम होगा 3-phosphoglycerate और ग्लिसरिक एसिड। अभी जो 3-phosphoglycerate है ये म्यूटेट करेगा। म्यूटेज और आइसोमरेज ये दो एंजाइम्स हैं जिनका काम थोड़ा विभिन्न है। जो आइसोमरेज एंजाइम है वो आइसोमर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्लूकोज एक अल्डोज है, उसे आइसोमरेज की हेल्प चाहिए होगी एक कीटोज बनने के लिए जो कि है फ्रक्टोज, ठीक है। अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है और उसको उस फॉस्फेट ग्रुप को 6th पोजीशन की जगह फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है, तो वो आइसोमरेज का हेल्प नहीं लेगा, तब वो लेगा म्यूटेज का हेल्प।
ठीक है, तब वो म्यूटेज के हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे लाके रख देगा। ऑलराइट, तो वैसे ही क्योंकि अभी हमें ये थर्ड पोजीशन पे नहीं चाहिए, हम उसको सेकंड पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, हमें चाहिए होगा एक म्यूटेज की हेल्प। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा फॉस्फोग्लिसरेट है, तो ये एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और उसको इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है उसका वो है इनोलेज। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को निकाल देगा, तो बेसिकली एक डिहाइड्रेटिंग स्टेप है। इससे ये खुद एक इनॉल जनरेट करेगा। जब ये इनॉल जनरेट हो जाता है वो हाईली अनस्टेबल और एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है, बिल्कुल जैसे हमारा बिसफॉस्फोग्लिसरेट था। अब ये भी उछल रहा है कि भाई मुझे किसी को फॉस्फेट ग्रुप दे देना है जो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है इनॉल से जोड़कर, तो वो फिर से वो अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को दे देता है और एडीपी एटीपी में फॉस्फोराइलेट हो जाता है। क्योंकि अगेन ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है और हर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन बॉडी में काइनेसिस से होता है, इस प्रोडक्ट को हम पाइरूवेट काइनेस कहते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक बार ऐसे ही एटीपी जनरेट किया है, तो दिस इज आर सेकेंड एटीपी जनरेटिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इससे एट द एंड प्रोडक्ट हमारे पास अब है 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल। थैंक यू।